गाइस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर नहीं है, फिर भी कोलकाता का यह हावड़ा ब्रिज 80 सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि बिना एक भी पिलर के इतना बड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया? क्या है इसके पीछे का रीजन? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि पिलर होने के बाद भी काफी ब्रिज कुछ ही सालों में गिर जाती है, फिर इस ब्रिज में ऐसी क्या खास बात है? एक्चुअली में जब इस ब्रिज को बनने का प्लान रेडी हो रहा था तो इसके नीचे पिलर लगाए जाने थे, लेकिन फिर बाद में इसमें पिलर लगाना इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर के सामने सरकार ने यह डिमांड रखी कि ब्रिज को बिना पिलर के बनाया जाए, जिससे इसके नीचे से होकर बड़े शिप भी निकल सके। अब बात करें इसकी मजबूती की, तो इसका कारण है इसमें लगने वाली स्टील और अच्छी इंजीनियरिंग।